ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरा हरिपुर सड़क की दुर्दशा में कुछ सुधार की उम्मीद अब देहरा की जनता को लग जगी है। देहरा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस सड़क के टेंडर को रद्द कर जांच की बात कही है। मुख्यमंत्री ने इस सड़क में हुई लापरवाही तथा मिलीभगत पर निराशा और चिंता जाहिर की है। देहरा हरिपुर सड़क की दुर्दशा में कुछ सुधार की उम्मीद अब देहरा की जनता को जगी है। देहरा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस सड़क के टेंडर को रद्द कर जांच की बात कही है। मुख्यमंत्री इस सड़क में हुई लापरवाही तथा मिलीभगत पर निराशा और चिंता जाहिर की। इससे पहले अपने भाषण में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस सड़क में हुए भ्रष्टाचार पर मन से ही पूछ लिया कि क्या यहाँ पर कोई ठेकेदार भी हिमायती बैठा है। ये इशारा किसकी तरफ था इसकी देहरा में खूब चर्चा है। अनुराग ठाकुर का इस सड़क की दुर्दशा पर यूं नाराजगी जाहिर करना इसलिए भी जायज है क्योंकि उन्होंने ही देहरा के तत्कालीन विधायक रविंदर सिंह रवि के आग्रह पर इस सड़क के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 10 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई थी। इस सड़क में हुई लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर रहे देहरा भाजपा के युवा नेता सुकृत सागर ने कहा कि इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंच से 5 लोगों ने संबोधन किया जिसमें से 4 लोगों ने प्रमुखता से इस सड़क के विषय को उठाया लेकिन जिनको जनता के इस विषय को सबसे पहले उठाना चाहिए था उनकी खामोशी देहरा की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सुकृत ने कहा कि वे हमारे लोकप्रिय सांसद व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा देहरा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि के आभारी हैं जिन्होंने मंच से जनता की इस समस्या को उठाया। सुकृत सागर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सड़क का ठेका रद्द कर इसके निर्माण में हुई लापरवाही तथा भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं। बातें कही थी वो आगे बढ़ी है। एक सड़क जिसका जिक्र आप लोग यहाँ पर कर रहे थे उससे सचमुच में मुझे भी बहुत पीड़ा है, निराशा। जो सीआरएफ के तहत जो हमने 10 करोड़ रुपए की एक स्कीम हमने जो आपके यहाँ पर सैंक्शन की थी और उसमें एक सड़क जो है और उस सड़क में जो टेंडर हुआ था, टेंडर किया गया था और वो लगभग 7.5 करोड़ के लगभग वो टेंडर गया था जिसमें 1.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देखिए, ये जो देहरा से हरिपुर सड़क है ये एक तरह से देहरा विधानसभा क्षेत्र की चेस्ट बोन है। ये बिल्कुल देहरा विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच निकलती है और बहुत सारी पंचायतें जो है वो इस सड़क से जुड़ती हैं और इस सड़क के बनने से बहुत सारी पंचायतों को फायदा होना था लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का जिन्होंने इस सड़क की जांच के निर्देश दिए हैं तथा साथ ही कहा है कि जो ठेकेदार है इस सड़क को जो ठेकेदार बना रहा था उसका ठेका रद्द किया जाएगा और किसी नए ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा ताकि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस सड़क की गंभीरता, इस सड़क में हुई लापरवाही और इस विषय की गंभीरता आप इस बात से समझे, कल मंच से 5 लोगों ने संबोधन दिया जिसमें से 4 लोगों ने इस सड़क के विषय पे बात की जिसमें हमारे भाजपा मंडलाध्यक्ष निर्मल जी, देहरा के पूर्व भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री रविंदर रवि जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग ठाकुर जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, इन सभी ने इस विषय पे बात की। और उसके बाद जो अभी प्रणाम जो निकल के आते हैं लोगों को, जल्द ये सड़क, अभी मुझे उम्मीद है कि जल्द इस सड़क का निर्माण होगा।